जय हिंद दोस्तों। और मेरे भाई कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग होंगे फर्स्ट क्लास। सो फाइनली ओपन बीटा रिलीज हो चुका है अपने इंडस बैटल रॉयल गेम का। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप इंडस गेम के ओपन बीटा को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और इंडस गेम के ओपन बीटा के रिलीज के साथ ही यहां पर एक नया यूनिक फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इस वाले फीचर का नाम है ग्रज, एंड ये फीचर कैसे काम करता है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। सो डिस्क्रिप्शन में यहां पर मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो इस वाले लिंक को ओपन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको iOS और Android सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप iOS यूजर हो तो टेस्ट फ्लाइट का आपको यूज करना है, और अगर Android यूजर हो तो इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर वाले लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होने वाला है। सो यहाँ पर लिखा है वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है टेस्टिंग प्रोग्राम को। और आपके पास यहाँ पर बीटा टेस्टिंग ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। देन उसके बाद जाना है प्ले स्टोर पर। सो यू कैन सी इंडस गेम के ओपन बीटा का अर्ली एक्सेस मुझे मिल चुका है, तो इजिली मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है इंडस गेम के ओपन बीटा को। सो अभी बात करते हैं इंडस गेम के सबसे यूनिक फीचर के बारे में, जिसका नाम है ग्रज। सो ये वाला नया फीचर आप लोगों को स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको उन सभी प्लेयर का नाम दिखाया जाएगा जिनके ऊपर आपने ग्रज डिक्लेयर किया है। और ग्रज डिक्लेयर होता कैसे है वो आपको बता देता हूँ। अब सपोज कि आप लोग कोई मैच खेल रहे हो और सामने की तरफ कोई हार्ड स्कोर आ जाती है जो बहुत गंदा मार के जाती है तुमको, तो मरने के बाद अगर स्पेक्टेट करोगे तो लेफ्ट साइड में आप लोगों को ग्रज डिक्लेयर करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आप उस प्लेयर के ऊपर ग्रज डिक्लेयर कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो प्लेयर आपके ही मैच के अंदर आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्लेयर किस लोकेशन पे रहेगा ये भी आपको मैप के अंदर दिखाया जाएगा, जिससे उस वाले प्लेयर को ट्रैक करके आप इजिली अपना बदला ले सकते हो। और मैच स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को ग्रज बोर्ड के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा कि इस मैच के अंदर कितने टारगेट है। सो यहाँ पर देख सकते हो इस वाले मैच के अंदर वो वाला प्लेयर आया है जिसके ऊपर मैंने ग्रज डिक्लेयर किया था। और नीचे की ओर आप लोगों को हंटर के बारे में बताया जाएगा कि आप लोगों को कितने लोग ट्रैक करने वाले हैं इस वाले मैच के अंदर। सो ये वो वाले लोग रहने वाले हैं जिनको आपने मारा था और उन्होंने आपके ऊपर ग्रज डिक्लेयर किया था। सो देख सकते हो इस वाले मैच के अंदर टोटल 4 हंटर है जो कि मुझे ट्रैक करने वाले हैं मुझे किल करने के लिए। सो इस तरीके से आप लोगों को ग्रज बोर्ड के ऊपर पहले से पता लग जाएगा कि मैच के अंदर कौन सा टारगेट और कौन सा हंटर रहने वाला है। और ग्रज फीचर यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि इस वाले फीचर का आपको अलग से लीडर बोर्ड भी मिलने वाला है गेम के अंदर। सो पहले वाला लीडर बोर्ड यहाँ पर ग्रज डिनाइड लीडर बोर्ड है, और सेकंड वाला रिजोल्व वाला लीडर बोर्ड है। और अगर आप लोग लीडर बोर्ड के टॉप में रहते हो तो ये सभी रिवॉर्ड भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पर अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड रहने वाले है, एंड स्पेशल टाइटल भी है यहाँ पर। सो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अगर यूजफुल रहे तो लाइक करके जाना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ।